हमें न चढ़ाओ मालिक, मैं हूं अम्मार। अबुल हसन से कह दो कि पुल बन चुका है और तैयार है, अब लश्कर फुरात को अबूर कर सकता है। सरदार तुम हो मालिक, गुजारिश मैं दूं। अबुल हसन से शर्मिंदा हूं अम्मार, उन्होंने मना किया था मगर मैं रोब और धोस पे मजबूर हो गया। खुदा तुम्हारा निगहबान। हाजिर हो सरदारो? जी, अमीर के हुक्म के मुंतजिर हैं। अली अपने जांबाजों की तलवारों के भरोसे पर लड़ते हैं। ये बात तुमने मुझसे बारहा ताकीद के साथ सुनी होगी कि फातेह जंग हमेशा तदबीर होती है। जमल के दागदार हमारे पीछे होंगे और मजलूम खलीफा के खूंखा आगे होंगे। खुदा का लुत्फ करम हवा से और जमीन का अजदा फुरात से होगा। हरकत करो, नहीं ठहरो। सियाह लिबास पहन लो, सियाह परचम खलीफा का खूनीन लिबास होगा। अब सिफीन में तुमसे मिलूंगा, जाओ। औली जनाबों से मुजाकरा किया फारूक? जी अमीर, आप मुतमईन रहें, हम 1 साल तक 1 लाख सिपाहियों को गजा दे सकते हैं। जजाकल्ला। यमनी कबाइल का सहम अली पर कामयाबी के बाद फरामोश नहीं करूंगा। जी अमीर, चलें। खूब चचाजाद भाइयों, इराक और हिजाज में तुम्हारी सरदारी महफूज है, लेकिन शर्त यह है कि अली को फुरात में गर्क करो। मरवान, उबैदुल्लाह इब्ने उमर कहाँ है? आजकल खुतबा देते हैं। देते रहे, उमर का नाम अभी भी कारसाज है। अम्र, एक परचम खलीफा जादे के हाथ में भी दे दो। पैगंबर की वो काली अबा जो उनके बाप उमर के पास थी। परचम के लिए नहायत मुनासिब है। काश खलीफा जादे के दामन पर हुरमुजान का खून ना होता। यजीद, इस जंग में न अपने लश्कर जर्रार पर एतमाद करना और ना ही मेरे हीलों पर। सिर्फ दुआ करो, दुआ करो कि सिपाह अली में जाहिलों की तादाद फरावान हो।
अमीर हमसे फेर में है, थोड़ा सा आगे एक घाट है। फुरात के पूरे साहिल पर यही एक पानी की मुनासिब जगह है। परवान, सिपाही यहीं क्याम करें। क्या कहते हो आमर? मुझे जंग का इल्म नहीं है। जंग शमशीर के बारे में हमारी निगाहें सरदारों पे जमी रहती हैं। अगर तैरना आता हो तो लगाओ छलांग। हम बज्म में आए हैं या रज्म? रज्म भी एक बज्म है जिसका शरबत खून है। आओ आमर, ठंडक से तुम्हारा दिमाग बेहतर काम करेगा। अश्तर तुम्हारी तदबीर से डरता है, न मेरी तलवार से। अरब आफताब की तपिश और उसकी गर्मी से मानूस है, और मैं एक अरब हूं। कहो तैरना नहीं आता? आओ अम्र, मश्क करें, ये तुम्हें नील के किनारे काम आएगी। ऐसी मश्क करनी चाहिए जो जहन्नम में काम आए। हम घाट बंद करेंगे और सबसे पहले यही सैली पे हमला करेंगे। जो शामियों के हाथ में है। हम देर से पहुंचे हैं मालिक, प्यासे लश्कर को डोल भर भर के तो सहराम नहीं किया जा सकता। हमें किसी भी सूरत घाट को फतह करना होगा मालिक। जंग हम नहीं शुरू करेंगे अशस। तो वो हम पर पानी बंद कर देंगे। इसको पढ़ो अशस और सबको सुनाओ ये फरमान। फरमान अली है। जुंदा शरे, चलो मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक तुम्हारे अमीर हैं, इनकी बात सुनने का हौसला रखो, क्योंकि वो लग्जिश और गफलत करने वालों में से नहीं है। जहां जल्दी की जरूरत है वहां सुस्ती नहीं करते,
और जहां रुकने की जरूरत है वहां जल्दी नहीं करते। क्या करें मालिक? इराक से शाम तक आए हो, नहीं जानते क्या करें। फिलहाल अबुल हसन के आने तक इंतजार करते हैं। इराक और शाम के लश्करों ने सिफीन में डेरे लगा दिए। खैस था मालिक, ये फरेब खुर्दा यहां क्या कर रहा है? बिस्तर रियास के लिए हरीफ चाहिए शेख। सिफ़ाइन में तलवार फैसला करेगी या फरेब? नहीं मालूम। कोई चीज छुपी नहीं है मालिक। उसके रुस्वा आमेज खत की खबर दी हाथों तक पहुंच चुकी है। वो तजदीद बैत करने आया है ताकि मिस्र की तरह सिफ़ाइन को भी बर्बाद कर दे। अली से कह दो उफे वाले जहाद की नीयत से आए हैं। अबुल हसन ने उन्हें माफ कर दिया, वो बेखता थे, तोहमत मत लगाओ। नमाज के अलावा हमारी आंखों में अश्क नहीं आते कैस। अगर पिसरे नावगा की खराब कारियां ना होती तो आज मिस्र से एक लश्कर ले आता। परेशान ना हो कैस, जमल की आग भी उन्हीं जाहिलों की पैदावार थी कि जिन्होंने तुम्हें हथियार डालने पर मजबूर किया। परेशान हुई अपने अब्बास, अरब के फर्जंदा ने नाबिका सिफीन में नामराई तलवारें लेकर आए हैं। जमल में फरेब और धोखेबाज कोई नहीं था। है वलीद, वलीद, वो देखो वलीद, ऊपर कौन है? मजे उड़ा रहे हो भाइयों? काहे में मशगूल हो? फिर से आ गया है गर्दन टेढ़ा। मैं तुमसे शर्त लगाता हूं आमिर, ये जरूर मालिक अस्तर से जंग के चक्कर में मशगूल है। क्या बात है, मालिक से इतना घबरा गए हो तुम? हाँ, मैं तुम्हारे बाप दादा का एक नौकर हूं मरवान, मुझे मालिक से लड़वाने की चक्कर में क्यों पड़े हो? मैं जानता हूं मालिक क्या मुसीबत है। इन्हें देखो,
लगता है जमल में अली के खुतबे से डर गए हो, ख्वाबों के सुल्तान। मुझे खुतबे सुनना पसंद नहीं है, सुनने से मेरे कानों में अजियत होती है। तुम खुद सुनाओ अली ने क्या कहा था, शायद मैं डरने लग जाऊं। कहा, अगर तुमने मुझे जंग पर मजबूर किया तो ऐसी जंग करूंगा कि जंगे जमल उसके मुकाबले में बच्चों का खेल होगी। ये अली ने कहा? कुछ ऐसा ही था। तो यकीन कर। अगर बात यकीन करने की है तो फिर तुम भी कूफे की दोबारा हुकूमत हासिल करने और उस हसीन लड़की को ख्वाब में देखो। हाँ, उसका नाम क्या था? शोहरत। शोहरत किस बात की? दिल लूटने की शोहरत। दरिया की मोती। आसमान का सितारा। दुल्हनों की मलिका। उताम। हट गया। आमिर, क्या करोगे? शबखून के लिए तैयार हो? अमीर की इजाजत के बगैर? कौन सा अमीर? माविया। अली का मुकाबला मुझसे भी है। जो खलीफा मक्तूल है वो मेरा खुसर है, ना माविया का। आज रात अली के खेमों पर हमला करेंगे। बिस्मिल्लाह अबा यजीद, बिस्मिल्लाह। क्या कर रहे हो अम्र? जंग कर रहा हूं। जंग? इस मर्तबा किसके साथ? नाम अशअस किंदी, एक बार अबू बकर सिद्दीक के जमाने में खुरूज कर चुका है। बेचारा यमन और अम्मान की हुकूमत का ख्वाब देखा करता था। खलीफे मजलूम के जमाने में वाली अज़रबैजान बना, अली ने माजूल कर दिया। बाद में अली की बैत करके उनकी फौज में सरदार की हैसियत हासिल कर ली। किस खलीफा की जेब काट कर उसे लालच दोगे? दिमाग से जेब काट के नहीं। लिखा है, जैसे ही अली को जंग से फुर्सत मिलेगी तो तुमसे उस माल का हिसाब जरूर लेंगे अज़रबैजान से लूटा है। लिहाजा रहो तो अली के लश्कर में, लेकिन काम हमारा करो। माविया की बज़लो बख्शिश शोहरे आफाक किंदी, अली की अदालत तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, बचो। अम्र, कहो। भयानक ख्वाब मेरा पीछा नहीं छोड़ते। वक्त गुजारने का कोई माकूल तरीका बताओ। ऐसे मौके पर आवाम चैन से जाके सो जाती है, उलमा रातों रात किताब पढ़ते रहते हैं, उमरा मौत से ज्यादा कवी तर चीज की तलाश में निकल जाते। तुम किस गुरु से हो मियाँ? किसी से भी नहीं। फिर तो छत पे जाओ, तारे गिनो। अगर उमरा का सर ऊपर उठा तो तन पे नहीं बचेगा। तो अपनी चादर के सुराख से झांक के देखो। ये क्यों नहीं कहते कि महफिल शराब जमा लो? कबीला किन का परचम तुम उठाओगे और रबीजा का मैं।
लेकिन अली ने रविया और किंद की सालारी तुम्हारे सपुर्द की। क्या करूँ अशास, शर्माती है तुम्हारे होते हुए कबीले किंद का नंबर तार रहा हूँ। अली ने यकीनन इसमें कोई हिकमत देखी होगी। तजब्जुब का शिकार मत हो मखदूज, मुबारक हो से पैसा लारी। किंद और रबिया के परचम को हाथ में लेकर अपने घोड़े को एड़ लगाओ। मेरा ताल्लुक भी किंदी कबीले से है और मैं तुम्हारा सिपाही हूँ मोमिन। मख्तूज, जंग का नगारा बजाओ। अशस, तुम किंद फौज को जमा करो। हाय किंद के बहादुर जंगजुओं, बढ़े चलो। वापस हो जाओ। क्या खुशखबरी लाए हो? ऐसे दनदनाते हुए आए हो जैसे मालिक अश्तर की मौत की खबर लेके आ रहे हो। घाट अभी उन्हीं के कब्जे में है। अच्छा, तो पहल किसने की थी? पहल तो हमने की थी। तो जीत मालिक की कैसे हो गई? घाट के मुहाफिजों के सरदार तुम थे या अबुल अकदर? हमला करने की तजवीज़ तो मेरी थी, अबुल अकदर ने भी इसको पसंद किया। हमारा गुमान था कि दुश्मन हालत ख्वाब में है, यही सोचकर हमने निस्व शब हमला किया। लेकिन पलक झपकते ही मालिक अश्तर का बड़ा लश्कर हमारे सामने था। किंदा और रबिया के कबाइल हमले में आगे आगे थे। सुना अम्र, अशस किंदी। अशस को तो मैं शिकार कर लूंगा, परवाह नहीं है। अबुल अकदर ने क्या किया? हमला सख्त था, घाट छोड़कर पीछे हट गए। तो क्या जंग अली के हक में है? ये घाट सिफीन की गर्दन थी, अब पानी हमारे लश्कर के लिए कीमिया हो जाएगा। तुम तो एक मुद्दत तक खलीफा के नायब थे, कौम परस्ती चाहते हो, क्या हमारी भी खलीफा मजलूम वाली किस्मत बनाओगे? साफ साफ कहूं, ये हरकत एक बच्चे से भी बड़ी थी। हमने अपनी जान की बाजी लगा दी थी अमीर,
अगर हरे हैं तो इसका सबब दुश्मन की ताकत है। अगर किसी को उसकी गफलतों की वजह से सजा देनी हो तो हम सब कसूरवार हैं। ये लश्कर सरदार रखता है बदबخت, मुझसे सर झुकाकर बात क्या करो? जब मेरे सामने आओ तो अपने जानों टेका करो। जानते हो तुमने क्या किया? अगर अली ने पानी बंद कर दिया तो इस लश्कर का हम क्या करेंगे? एक जर्रार लश्कर दो तो घाट छीन लूंगा। जसारत ना हो तो अर्ज करूं। घाट पे तो कब्जा था, बचा नहीं सके तो छीनोगे क्या? अब यजीद ये काम मुझे तुम क्या कर लोगे अमर? देखते रहो, पानी के सिलसिले में भी परेशान मत हो। बईद है अली जैसा करीम हम पर पानी बंद कर दे। अली की निगाह में ऐसा करना मर्दानगी के खिलाफ। यकीनन अब भी कोई बरादराना पैगाम लेकर जा रहा है। बेशक अली पानी बंद नहीं करेंगे। हम यहाँ इन लोगों से लड़ने के लिए आए हैं मख्तूज। अगर प्यासे रहे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे। अली का शेवा है शस के दुश्मन के साथ मर्दाना वार पैकार करें। मर्दानगी? उन्होंने हम पर पानी बंद कर दिया है। अगर मैं सिपह सालार होता तो उन पर पानी बंद कर देता। मुखालिफत कर रहे हो आशास? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अली हद से ज्यादा ही दुश्मन के साथ नरमी बरतते हैं। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़े तो सिफीन का मारे का तूलानी हो जाएगा। आशास, क्या यह सही है कि अमरुआस ने तुम्हें पैगाम भेजा है? कैसा पैगाम? बातें हो रही हैं कि तुम्हारे लिए अमरुआस ने कोई पैगाम भेजा है। अगर मान भी लिया जाए कि उसने भेजा है तो मैं तो उसके मकरो हीले को अच्छी तरह जानता हूँ। देखा नहीं था कैस के साथ क्या सलूक किया? डरता हूँ कहीं तुम्हें बर्बाद न कर दिया शस, जबकि अली ने किंदो रबिया की सालारी तुमसे लेकर मुझे दी है। इसी वक्त जाओ और तजदीद बैत करके आओ। अपनी मश्क में पानी भर लो सास आए। हाँ। अपनी मश्क में क्यों सरदार? इसलिए कि आले उमैया प्यासे हो गए। इतनी जल्दी? ये लश्कर जो हमारे मुकाबले में है वो सर कटाने के लिए नहीं आया। जो भी पानी रखता हो वो आइंदा के लिए जखीरा करेगा। देख लेना कि यही पानी शामियों के दरमियान दीनारों का बिकेगा।
पानी का रास्ता खुला हुआ है। अबाया जी, क्या लिखा है? वही हमेशा की नसीहत है। कहते हैं अंजाम जमल को न भूलें और उनकी बैत को तस्लीम करें, मुसलमानों का खून न बहाएं। लो पढ़ लो। उनकी नसीहतों पर अमल करने लगूं तो सिफीन का मसला सालों तक खिंच जाएगा। जवाब क्या है अबा यजीद? अली ने कोई नई बात नहीं की है सासे। अली को मुसलमानों के खून के बहने का इतना रंज है तो हमें शाम की हुकूमत पर बाकी क्यों नहीं रखते? अली हक को मसलहत पर मुकदम रखते हैं। रखें। हमारा जवाब अब भी वही जवाब है। अली खिलाफत को शूरा के हवाले करें और खलीफा के कातिलीन को हमारे हवाले। जाओ 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 जाओ। सासा है? जाओ। तुम प्यासे नहीं हो? क्यों नहीं, लेकिन इस मश्क से नहीं। मैं अभी भी अशअसे किंदी जैसों से मायूस नहीं हुआ हूं। मेरी प्यास सिफीन के घाट से ही पीकर बुझेगी। आज रात फुरात के बहाव को उलट दूंगा। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। आज रात ढोल लटकाए मुगनियों को लेकर मालिक के ऊपर हमला करूंगा। जीत गया तो ठीक, न जीता तो हमारी रात की तफरी हो जाएगी। जी पढ़ो, इस खत को पढ़ो। अकेले खैर मुसलमान की जानिब से साहिल नशीन मोमिनीन के नाम अपने लश्कर को घाट से दूर कर दो। शामियों ने माहिर कुआं खोदने वालों को बुलाया है ताकि वह फुरात का रुख मोड़ दें और शाम का लश्कर चींटी और टिड्डियों की तरह तलवार छोड़कर कुदाल बक्कफ है। लिहाजा बहुत जल्द एक तेज रफ्तार सैलाब तुम्हारी तरफ आने वाला है जो तुम सबको गर्क कर देगा। क्यों हंस रहे हो? हमारे आस की मखारी पर हंस रहा हूं। तुम्हें यकीन है या शास? ये मकर
पेसरे नाबका की तरफ से है, ताकि कूफियों के शऊर का अंदाजा लगाएं। कहीं तुम भी उनके हीले पर यकीन न कर लो अशस। ये क्या हो रहा है? अभी खामोश रहो। दीवाने हो गए हो मक्तूर, ये कुदाल की आवाज नहीं सुन रहे हो? जमीन से कान लगाकर सुनो तो फुरात के बहाव का रुख मोड़ रहे हैं। क्या मतलब? यानी फुरात अभी तक इस तरफ से बह रही थी, अब तय ये हुआ है कि इस तरफ से बहे। क्या तमाशा रचाया है तुमने? वो फुरात को मोड़ना चाहते हैं और ये उसकी दलील है। तहकीक के लिए मामूर रवाना करूंगा। उठो। अब तक नहीं समझ सके कि तुम्हारा मुकाबला मक्कार सिपाहियों से? ये सब अम्र-ए-आस के करतूत हैं। जो सदाएं जमीन से आ रही हैं वो वहम है। जिसने तुम्हें खत लिखा है वो आवाज भी निकाल सकता है। ये कुदाल की अगर आवाजें नहीं सुन रहे हो तो बह रहे हो। दरिया, दरिया फरात तो हमें बहा कर ले जाएगी। लश्कर को फरात से हटा दो मालिक। कहता हूं रुक जाओ, ना जाओ। तुम इनकी जान के जामिन बनते हो। मैं जानता था कि कहीं ना कहीं तुम अपना काम दिखाओगे अशस। तुम्हारा दोबारा बैत करना बेहिकमत नहीं था। अम्रयास जानता था ये उसके हरी तुम जैसे बेवकूफ। आम्र, आम्र, अमरू सब एक दूसरे पर गिर रहे हैं, दस्ता ब दस्ता फरार कर रहे हैं।
जाओ अपने लश्कर जर्रार से कहो हमले के लिए तैयार हो जाएं। जाओ ठहर जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ, बुज़िलो। रुक जाओ, फरार ना करो, रुक जाओ, रुक जाओ, क्यों नहीं रुकते? रुक जाओ बुज़िलो, ये इब्ने नाबेगा के मकर की आवाज है। बहरे हो मालिक, हमारे बच्चों को यतीम करना चाहते हो? मालिक, 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 शामियों ने हमला कर दिया है। जो लोग रुक गए हैं वो पीछे हट जाएं।